काफी टाइम से प्लानिंग हो रही थी अभी, और इसका जो स्टार्टिंग किया, शुरुआत किया, हमारे पूजनीय श्री सुजी मिश्रा जी हैं, उन्हीं के बेस से सारा स्टार्ट हुआ है। आज उन्हीं की देन है जो कि पिक्चर यहाँ तक पहुँच गई है, और ईश्वर की कृपा से आगे भी जाएगा। इससे की सबसे खास बात यह है कि जो स्क्रिप्ट लिखा है इन्होंने, वो इनका जी मिश्रा जी का ही है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि लव स्टोरी है तो लव स्टोरी हर जगह होती है, पर इसका आपको जो ट्रीटमेंट है, स्क्रीन प्ले है, वो आपको फ्रेश मिलेगा। और काफ़ी कुछ यूथ के लिए उसमें है, कुछ उसमें मैसेज भी है, और कंप्लीट इंटरटेनिंग पिक्चर है, और मुझे उम्मीद है कि पिक्चर हमारी अच्छी जाएगी। तो कास्ट के बारे में बताइए कि कौन कौन से कास्ट। एक्चुअली क्या हुआ है, कुछ डेट्स का ये है, फिर भी अभी कास्ट का नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा, लेकिन जो भी है वो मार्केट के ही है। और ये कुछ समय में आपको फिर से आपको इन्वाइट करके और फ्लोर पे जाने से पहले पिक्चर आपको पूरा डिस्क्लोज कर देंगे। आज के बारे में जानना चाहूंगा, आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम हमारा तीन गाने का जो डबिंग है ऑलरेडी, उसका ये थीम हो चुका है, और हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं छोटे बाबा जी हैं, वो आज की डेट में काफ़ी रिव्यू कर रहे हैं अभी। तो म्यूजिक जो है हमारा स्ट्रांग है, स्क्रिप्ट स्ट्रांग है, और आई थिंक अपना जो ये है कास्टिंग है वो भी अच्छी रहेगी, और एक छोटे से छोटा जो किरदार है वो भी पावरफुल किरदार है। दिनेश जी, कब तक ये फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और कब तक देखने को मिलेगी दर्शकों को? ये हमको लगता है कम से कम, आपको भी मालूम है, कम से कम ये नेक्स्ट कमिंग मई में फ्लोर पे जाएगा, और बारिश के बाद में हम लोग का रिलीज हो जाएगा। हेलो सर, आप सिर्फ जानना चाहूँगा क्या करना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? आपने भी एक से एक फिल्म बनाई है करियर में, तो कितना चुनौती होता है एक फिल्म बनाना? सबसे पहले तो मैं दिनेश सिंह जी को, मिश्रा जी को और नंद कुमार महतो जी को बधाई दूंगा इस नई फिल्म के लिए। और एक चुनौती के बाद, तो जब फिल्म लाइन में उतर ही गए हैं तो फिर चुनौती से क्या डरना। जब आज मुहूर्त है फिल्म का, इसके पहले सारी चुनौतियां मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई, और अब तो हिम्मत से आगे बढ़ने का दौर शुरू हो गया। तो क्या परिवर्तन नज़र आता है सर आज के दौर में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या भोजपुरी फिल्मों में कितना ज़्यादा सुधार हुआ है हर क्षेत्र में? दिनेश सिंह जैसे जो युवा लोग इस फिल्म लाइन में आएंगे, मुझे लगता है तब सुधार करेंगे। आज तक तो मुझे ना भोजपुरी में 90% अश्लील और अश्लीलता भरी हुई है, अश्लील लोग और अश्लीलता भरी हुई है, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और विनंती करूँगा दिनेश सिंह और नंद किशोर महतो जी जैसे लोगों से कि आने वाले समय में फिर उस दौर को लाएँ कि हम अपने परिवार, अपने माँ बाप के साथ बैठकर भोजपुरी फिल्म देख सकते हैं। लेकिन बजट काफी बढ़ रहा है और मल्टीप्लेक्स में भी फिल्म लग रही है, तो क्या कहना चाहिए, कितना पॉजिटिव स्टेप है ये? ठीक है, बजट तो ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है फिल्म। और रही बात मल्टी की, तो जब तक अश्लीलता नहीं खत्म होगी, आप उसी थिएटर में जाएंगे मल्टी का, तो विचार ही मत कीजिए। सर आपसे जानता हूँ क्या करते हैं फिल्म को लेकर, आराशा टाइप का फिल्म में भोजपुरी में अच्छी फिल्म है, और उसका जो कथाकार हैं मिश्रा जी हैं, और एक बढ़िया और एक अच्छा लेखक हैं, इन्होंने जो लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है और अच्छा पिक्चर लिखा है। तो युवाओं के लिए फिल्म में तो क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को लेकर फिल्म बनाना कितना ज़रूरी है? युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। भोजपुरी पिक्चर जो है हमारा जो है एक सब्जेक्ट, एक विषय के नाते जो है वो बहुत अच्छा जो है प्रोग्रेस करता है, दो तीन स्टेट में जो है, जैसे यूपी हुआ, एमपी हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, तो कई प्रदेशों में हमारा पिक्चर जो है चलता है। फिर आप बताइए। प्रणाम करा था नहीं, गोर लगा था नहीं। एक फिल्म के बारे में बता दें कि हम तो रहे वाला भी आरा के बगल के ही, बहुत बढ़िया कहानी बाकी मुलाकात हुई है। नंदू जी फिल्म का डायरेक्टर है, उनके साथ में अगली फिल्म मैंने से करने जा रहा हूँ, वो बेहतरीन डायरेक्टर है। तो कल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, बहुत बेहतरीन कहानी है। मारा छपरा दोनों के बीच में हमारा गाँव है, एक प्रेम कथा, बहुत बढ़िया कहानी बा, और गाना छोटे बाबा जी का कम गाना भी सुनिए, बहुत बढ़िया कहानी है। तो प्रेम में किस तरह से विघन डालने वाले हैं, कितना ज़्यादा समस्या पैदा करने वाले? तो देखिए, अभी कहानी सुने हैं, सब बातें जब बन जाएगी तो क्या कैरेक्टर निकलता है, कोई कहानी बनी नहीं है। उन्होंने आज आमंत्रित किया दिनेश जी, आइए, धन्यवाद देने, तो हम टीम को धन्यवाद देने दे रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि 2018 की यह फिल्म सुपर डुपर हिट, ये भी
जी हाँ, ये तो कहानी आरा क्षेत्र जब वो दियारा क्षेत्र का है तो कुछ बात बनेगी कि न कर, क्योंकि मैं उस बेल्ट का हूँ, उस क्षेत्र में एक दबंगई होती ही है, उसी के बीच में दोनों हीरो हीरोइन का प्यार बुना गया है, उसमें तो थोड़ी सी खलल हम लोग डालेंगे। हम हैं जय भाई हैं, देव बाबू आ गए हैं, तो बिना इसके बिना तो कहानी बढ़ेगी ही नहीं। और इस फिल्म के अलावा कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं सर? 8-10 फिल्में साइन हैं, अभी लाल आ रही है, बनारसी पहलवान आ रही है, और कल इसी जगह हमारी एक फिल्म तकरार की मुहूर्त है नंदू जी के साथ, एक पुल दो पत्थर करने जा रहा हूँ, एकदम से 10-12 फिल्में पूर्ण कर रहे हैं। नंदू जी आप आइए, आप खड़े काफी लोग मतलब मार्केट में टेक्नीशियन है और मार्केट गए। अभी काफी दिनों से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो क्या समझते हैं निर्देशन जो करते हैं, कितना चुनौतियों का निर्देशन करने में और कितना बदलाव आया है? पहले से तो काफी बदलाव आया भोजपुरी इंडस्ट्री का, और आगे बहुत जल्दी काफी सुधार हो जाएगा। अभी बहुत सारे निर्देशक के दिमाग में आ रहा है कि जो मैंने जो गलतियाँ किया है उसके बुरा असर पड़ रहा है, और बहुत जल्दी बहुत अच्छी सुधार होगा। तो जो कम तुलना होती है बॉलीवुड या भोजपुरी की, वो बॉलीवुड कितना ज़्यादा तुलना होती है वो सही है या गलत है, क्या कहना चाहेंगे? तुलना तो बहुत गलत हो रहा है, जरूरी है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत जल्दी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, उसके बारे में चाहूँगा? हाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ में एक फूल दो पत्थर 15 मई से दिल्ली में शूट है, उसमें रितेश पांडे भी होगा। सर आपसे क्या कहना चाहेंगे? उनकी जिम्मेदारी मेरी बहुत है, कहानी मैंने लिखी है, और ये कहानी चूँकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ बिहार का, इसलिए मैं हर कुछ देखता हूँ, उसका रिपोर्ट मालूम है। मैं कुछ अलग हट के जो हमारी संस्कृति है मैंने उसको लेके चला है। मैं देख रहा हूँ कि आज भोजपुरी में जो हमारी संस्कृति है उसको लुप्त होती है, केवल संवाद हटा दिया जाए तो ये नहीं पता चलती एक पिक्चर हिंदी है कि तमिल है कि तेलुगु है, लेकिन ये पिक्चर है प्योर भोजपुरी जो बेल्ट का है हमारे यहाँ, इसमें शादी विवाह एक्शन और जो रियल घटना है, एक रियल घटना पर ये कहानी है उसी को लेकर हम लोग। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहना चाहेंगे कि भोजपुरी फिल्म का बिजनेस कितना ज़्यादा बढ़ा है? बढ़ा नहीं है, घटा है। अच्छा, क्या कारण है? कारण यही है कि जो हमारी डिमांड है वो पब्लिक जो डिमांड है वो सही से मिल नहीं पा रहा है। पब्लिक की क्या डिमांड है और प्रोड्यूसर? पब्लिक की डिमांड ये है कि हम जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बगल में किसी अमिताभ बच्चन की पिक्चर लगी हो, शाहरुख खान की पिक्चर लगी हो, तो हम वही चीज़ भोजपुरी में भी देख रहे हैं। जब हमारी भोजपुरी से उनकी मेकिंग अच्छी है तो हम वो क्यों नहीं देखें? हमको तो अपनी भोजपुरी देखनी चाहिए। भोजपुरी में हमारी जो आज देखिए साउथ की पिक्चर देखिए कितने खर्चे से बनती है, लेकिन वहाँ पर उनका कल्चर नहीं छोड़ते, लुंगी जरूर पहने, लेकिन हम लोगों ने अपना कल्चर छोड़ दिया। तो क्या बदलाव चाहते हैं अपनी तरफ से आप? बदलाव हम अपनी पिक्चर में ला दिखेगा सर, अपने बच्ची फिल्में बना कर जिससे कि हमारा कुछ नाम हो। तो क्या पिक्चर आप क्या चीज़ आप आकर्षित किया क्षेत्र में आकर्षित यही किया कि मतलब मैं अपने पिछले समाज को मतलब आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे कि आज की बार फिल्म देखना नहीं चाहता, यही चाहता हूँ मतलब कुछ देखें हमारी। तो जैसा अभी आपने सुना कि भोजपुरी फिल्म का जो बिजनेस है कम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा चुनौती आपके लिए फिल्म को प्रोड्यूस करना? चुनौती है इसी को, इसी का सामना करना है। और किस तरह से ये फिल्म को मतलब बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्या आप इस तरह चाहो कुछ देंगे? बेहतर बनाने की कोशिश यही करेंगे कि जो हमारा समाज है उसमें संस्कार उसको लेकर फिल्म चल रहा है। और इस फिल्म के अलावा और कोई फिल्म पर काम कर रहे हैं आप? अभी स्टोरी पर काम चल रहा है। ये बिल्कुल जैसा कि हम सब जानते और कहते हैं कि आज के जो नौजवान है, जो नौजवान है वो देश का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े मोती की वो कभी भी बदला ला सकते। तो युवा वर्ग के लिए मैं यही कहूँ कि आजकल जिसने भी फिल्म आप हिंदी में देखिए, तो जितने हैं यंगस्टर्स हैं सब लॉन्च हो रहे हैं। अभी शान खट्टर एक फिल्म आई है, बेवर जोन दखला द कमाल फिल्म, माजिद माजिदी ने उस फिल्म को बनाई है,
तो मैं तो ये चाहूँ कि हमारी भोजपुरी में 3 स्टार्स हैं, तो सब लोग जानते हैं, और यंगस्टर्स की ज़रूरत है हमारे यहाँ। हम चाहते हैं कि नए लड़के आएँ, नई कहानी आए, नई चीज़ें हैं आएँ, ताकि लोग देखें कि भोजपुरी में बदलाव हो सके। तो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं या फिर और बात नहीं है सर? जुड़ना ये तो बात की बात है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है प्यार, और हमारा नंदू जी के साथ ऐसा ही एक लगाव है। मैंने के साथ फिल्म की थी बजरंग फिल्म, बिल्कुल नया सर के बारे के बारे में वो नहीं बता रहा है। साथ कहते हैं कि उस वक्त कच्चा बर्तन था उसमें पानी भरने वाले का, सर के साथ तब काम किया था, और हमारे जय भाई हैं हमेशा ने मुझे बहुत प्यार दिया है बजरंग के समय में। नंदू जी ने मुझे बोला कि प्लीज सर आप हमारा बड़ा ध्यान है, और गिरीश भैया मिले थे, गिरीश भैया ने बोला हमारे काम किया है, तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उसमें महाराष्ट्र के उसमें हमारे प्रोड्यूसर हैं दिनेश सिंह, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ज़रूरी है नए प्रोड्यूसर साहब नए लोग आएंगे तो फिल्मों का बदलाव ऑलरेडी होनी चाहिए, मैं सही कहूँगा। और प्रोजेक्ट क्या कौन कौन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सर? मेरी अभी तो रिसेंटली डमरू रिलीज हुई थी, जिस हिसाब से हमने सोचा था वो रिस्पॉन्स नहीं, उसके बाद तुरंत लोहा पहलवान है, पुरन गंगापार की हमारा बालक है, उसके अलावा मेरी 3 हिंदी फिल्में हैं, 3 हिंदी फिल्में हैं जो रिलीज में जिहाद जो कांस में 11 मई को दिखाई जा रही है, उसके निर्माता है हजरत आदमी की, और उसके निर्देशक हैं श्री हमारे मित्र हैं गिरीश जी, और क्रिकेट मेरी हिंदी फिल्म आ रही है, वो सब हिंदी फिल्में हैं लाइन से, और भोजपुरी में कंटिन्यू फिल्में हैं। अभी लास्ट में संघर्ष किया हुआ सारी चीज़ें साथ, अभी मैं स्पेशल इनकाउंटर करने जा रहा हूँ। देव देव एक बड़ा प्रोजेक्ट है और 11 मई वाला, सुना है कि देव सिंह शादी करने वाले हैं। बस सर अभी ये समझ लीजिए कि एक समय आता है जब आपको जंजीरों में जकड़ना जकड़ दिया जाता है, तो कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी? तो मेरा भी अब हलाल होने का वक्त आ गया है, और मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उनको बार बार उनको मना करूँ, फाइनली आके अब इस बार मैं मान गया हूँ और 11 मई को मैं शादी करूँ। और आप सब जितने लोग देख रहे हैं आप सब इन्वाइट हैं, आप लोग आइए अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए, ताकि मुझे हिम्मत मिले जिम्मेदारी उठाने। 11 मई को कहाँ होगी शादी और किससे हो रही है? लड़की से होगी। इसके लिए मुबारकबाद कि लड़की से आप शादी कर रहे हो। आज छपरा की प्रेम कहानी। हाँ, लड़की भी बलिया की है और मैं भी बलिया का हूँ, और लेकिन वो इंसिडेंटली वो लोग यही रहते हैं पनवेल में, और उनका नाम सोनम है, वैसे उनका असली नाम रागिनी है, तो अवधेश हमारे भैया हैं अवधेश मिश्रा जी, उनकी वाइफ का नाम ही रागिनी है, संजय भैया की वाइफ का भी नाम रागिनी है, और मेरी बीवी का नाम भी रागिनी है, बट सोनम उनका प्यारा नाम है, आप सभी उनको सोनम से पुकारिए, और 11 मई को आप सब उनको देखिए और आशीर्वाद दीजिए। यह गंगा मेरी रिलीज, मेरी फिल्म रिलीज हो रही है उसी दिन गंगा पार की 11 मई को, और मेरी भी रिलीज हो रही है उसी दिन 11 मई। एक कैसे मेरे को बिल्कुल रिवाइंड करके देखना स्टार्ट। आपने जो बोला मैं भी झेलने जा रहा हूँ, तो क्या करो, सबको सुनता हूँ तो मुझे लगता है नहीं करूँगा। मुझे ये जान के सच में खुशी हुई कि लड़की से शादी कर रहे हैं कम से कम। थैंक यू। ये पूछना चाह रहे हैं कि पिछले दिनों खबर थी सोनम गुप्ता बेवफा थी, कुछ वक्त बदला है जरूर? अरे मेरी अभी गुप्ता नहीं है, सिंह है, इसलिए बेवफा नहीं हो सकती। थैंक यू। मतलब सबसे पहले तो मैं नंदू जी का ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इसके पहले भी मैं गोवा में शूट करके आई भोजपुरी मूवी, मैंने हिंदी मूवी भी किया थी, लेकिन भोजपुरी मूवी में एक बार पहले बार किया, ये सेकंड मूवी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नंदू जी के साथ काम करके, मुझे और भी ऑफर्स आया है बहुत सारा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या किरदार है, क्या किरदार है? आई डोंट नो, अभी तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि नंदू जी ने दिए और मिश्रा जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है, तो थैंक यू सबको, बहुत ज़्यादा थैंक यू कि मुझे चांस मिला। बस सबसे पहले तो मेरे दोस्त रविशंकर महतो का हार्दिक शुभकामना। मुंबई में मेरे 3 दोस्त हैं जिनमें नंदू जी सबसे खास हैं, और आरा की आरा छपरा की प्रेम कथा, इसके लिए नंदू जी को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नंदू जी अभी कुछ बातें चल रही थी कि अश्लील और अश्लील का, उसको लेकर बहस चल रही थी, लोग बोल भी रहे हैं कि अभी अच्छी फिल्म बननी चाहिए, और मुझे लगता है कि नंदू जी इसमें सफल होंगे। एक सीनियर डायरेक्टर हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है,
कम से कम मेरी जानकारी जहाँ तक है 7-8 फिल्में कर चुके हैं और आगे करने जा रहे हैं, वो दिन मुझे मालूम है। तो एक अच्छा डायरेक्टर, एक्सपीरियंस डायरेक्टर किसी प्रोजेक्ट में करता है जो निस्संदेह अच्छा प्रोजेक्ट करता है और प्रोड्यूसर्स के लिए और समाज के लिए, भोजपुरिया समाज के लिए एक अच्छी मूवी बनाकर देगा। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि मल्टीपल और ऐसे डायरेक्टर जिनके पास एक्सपीरियंस है और भोजपुरी फिल्म अश्लीलता से दूर कुछ बनाना चाहते हैं, हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगेगी और लोग उसे देखेंगे। डिजाइनर के रूप में हरिओम जी, हरिओम राय, क्योंकि मैं समझी इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसकी कहानी आरा और छपरा जो है फुल एक्शन और रोमांटिक दोनों है और वहाँ की जमीन से जुड़ी हुई सारी कहानी है जो कि दर्शकों की बहुत पसंद आएगी। डिजाइन में अपने क्या क्या करना चाहेंगे, जो विषय है उस विषय के अनुसार आपने उससे डिजाइन किया, उस विषय के हिसाब से डिजाइन किया गया। अभी इसके जो स्टार कास्ट है, मैं एक बोलना चाहती हूँ, सर का डिजाइन तो मीन्स मतलब क्या बोले, जितना भी तारीफ किया जाए कमी है सर का डिजाइन, हम बहुत सारे मूवी में उन्होंने डिजाइन किया। अभी क्या है कि नंदू जी जो है बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ जी, इसके पहले भी उनकी बहुत सारी फिल्में जैसे बजरंग हो गया और भी पायल है और भी बहुत सारी फिल्में हैं, अभी एक और फिल्में जस्ट सखी का भी, हाँ। सखी के दिया रिलीज होने वाली है, हाँ, चार उसकी भी डिजाइनिंग मैंने ही किया है, हाँ। और भी बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में हैं, बॉलीवुड की है, ये सारी भी डिजाइन कर चुका हूँ। सोच रहा हूँ, बता रहा है अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं टाइम स्टैंडर्ड में हूँ, भोजपुरी में काम करेंगे चाहिए ना, भोजपुरी हॉलीवुड में। क्या बाल विवाह पर आधारित फिल्म है? नहीं नहीं, बाल विवाह नहीं। आरा छपरा एक प्रेम कथा का फिल्म है, बड़ा अच्छा सुंदर सा नाम है जिसका मुहूर्त किया जा रहा है और आप इसके संगीतकार हैं और ये रिकॉर्डिंग से शुभ मुहूर्त किया जा रहा है, बड़े शुभ का बात है। और पिछले में सबसे पहले आरा छपरा का टीम को जो निर्देशक निर्माता जो है सबको खुशी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। ये अच्छी फिल्म में एक मजकल शुरुआत है, ये हम लोग जब भी ये अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आते हैं और कोई मुहूर्त होता है, खास करके ये मैं स्पेशल है मेरे लिए जो मैं बोलूँगा, जो इसके लेखक हैं शिवाजी मिश्रा जी और शिवजी मिश्रा जी और जो इसके साथ में फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो इनसे मेरी काफ़ी पुराने मतलब हम लोग करीब 17 साल से करीब हम लोग एक साथ में हम लोग आए थे मुंबई में और मैं भी अपना स्ट्रगल करते रहा, ये शुरुआत के दिनों से ही मेरे साथ में रहे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं ये और आज उनकी पहली फिल्म और मुझे करने का सौभाग्य मिला है, बहुत खुश हूँ जी। क्या इसमें नया होगा म्यूजिक लगे, क्योंकि आपके ढेर सारे गीत हैं, शायर आते दिया बुताको दिया का मांगे, रिसेंटली भी वांटेड का एक गाना बड़ा हिट जा रहा है और एक नया फ्लेवर में है, क्या ठीक है? जो हो गया उसके बारे में तो ठीक है, आगे मैं यही सोचूंगा कि इसमें उससे कुछ नया कुछ हटके जो वो हो गया अब उससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एक गाना मैंने रिकॉर्ड भी किया है इनके फिल्म का, ये मेरे ख्याल से आज हम लोग सेकंड सॉन्ग है जो ये करने जा रहे हैं, बिल्कुल मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया हो ताकि दर्शक जो है। छोटे बाबा जी, कहा यह जाता है कि आपके पास शायद जो ट्रिक है जिससे यूट्यूब पे जो भोजपुरी का टॉप परफॉर्मिंग सॉन्ग है आपके पास भी म्यूजिक है, ऐसा क्या करते हैं? वैसा कोई मेरे पास कोई मंत्र तो नहीं है, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हर एक फिल्म हर एक गाने मेरे लिए चुनौती है और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जहाँ मुझे संतुष्टि मिले, जो ट्यून मैंने बहुत सारा बनाता हूँ मुझे जो आए मुझे स्पेशल लगे कि नहीं ये इसके पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और सबसे पहले जो मुझे पसंद आए वो मैं किसी और को बनाता हूँ,
ट्यून में एक गाने के कम से कम 10 बनाता हूँ, 12 बनाता हूँ, 20 बनाता हूँ, मतलब नहीं है, हो सकता है एक भी बने, लेकिन अगर मुझे अगर अच्छा लगे तो मैं दूसरे को सुनाता हूँ, नहीं तो सामने से लोग बोलते हैं क्या बना, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ। यही मेरा मतलब है कि मैं कुछ भी ओपन नहीं करता जब तक मैं संतुष्ट ना। लगता ऐसा है कि आपकी आपका म्यूजिक शायद कौन सी पर ज़्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि चाहे नेपाली के साथ का गाना हो या फिर वांटेड का गाना हो चाहे लुड़िया हो। राम पवन जी मेरे नोट को जब गाते हैं, जो जो मैं सोच के कुछ बनाता हूँ अगर, तो पवन जी एक बहुत सुरीले सिंगर है, तो वहाँ उस गाने को मेरे ख्याल से न्याय मिलेगा जो मैं चाहता हूँ उस हिसाब से वो उसको सजाते हैं, तो फाइनली वो गाना उभर गया कहना चाहता। आज ही मैं एक वांटेड फिल्म का मेरे गाना मैं गुनगुना रहता हूँ जी, गाने को बोल बेरी बेरी बाजे दिल पलाइया अखे लावे बिदारे चारों पाइया ये तो रात भर सोने न दिया पलंगिया ये पिया सोने न दिया पलंगिया ये पिया सोने न दिया। ये गाना रिलीज हुआ है और काफी सारा प्यार दर्शकों का सबका मिल रहा है, बाकी लोग देखते हैं। छोटे बाबा का बड़ा म्यूजिक और कौन कौन सी फिल्मों में नजर आएगा, सुनाई देगा? अभी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, एक फिल्म भी रिलीज हुई है माई रे हमरे उहे लेके चाहिए, और दिनेश जी की एक फिल्म अभी शूट होने जा रही है, उसका टाइटल भी फाइनल नहीं हुआ है, अभी आएगा भी शेरे हिंदुस्तान मेरे ख्याल से अभी तक जो मैं सुन रहा हूँ शेरे हिंदुस्तान उसमें मिलेगा। मैंने उनको सजन चुन लिया, एक शूट हो रही है देहरादून में जी, उसमें और भी लाइन में हारा सप्लाई हारा सप्लाई इसके बाद।